और इस वाले मंदिर पे पूरे के पूरे पत्थर ही लगे हैं। क्योंकि मैं इस क्षेत्र में SDM से मैंने नौकरी तो हमें मिले हैं अंकल जी। हाँ तो भाई कहाँ जो आप। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एक नया वीडियो सुरोज का पहाड़ के हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम बुढ़ने है, लेकिन आज की वीडियो की स्टार्टिंग में निचले गांव के बगल से कर रहा हूँ, यानी कि इस वाली रोड से। और मेरे पीछे एक मंदिर है और हम भी एक मंदिर में जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं पैठणी, जा रहे हैं घूमने के लिए। वहाँ एक राहु मंदिर है, तो वहीं जा रहे हैं आज घूमने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आज का सफ़र हमारा अच्छा ही हो। और वीडियो में दोस्तों बने रहें आगे, आज आपको मंदिर दिखाऊंगा मैं पैठणी की। तो मेरे साथ अभी मोनू भाई भी हैं। तो मोनू भाई कैसे लग रहा है आपको? बस देखते हैं अब आगे आगे कैसा लगेगा। तो दोस्तों चलते हैं, अपना सफ़र इंजॉय करते हैं, जारी करते हैं। अभी हम काफी दूर पहुंच चुके हैं, यानी कि बिडोली मार्केट में पहुंचने वाले हैं। बिडोली के मार्केट चलते हैं, यहां से अपना सफर एंजॉय करते हैं आगे। आप वीडियो में बने रहें। और ये है हमारा मुस्केली का पुल। और ये वाला रोड जाता है पावो के लिए इधर से, और हमें मुड़ना है इस वाले रूट पे। तो दोस्तों हम काफी दूर पहुंच चुके हैं और हमें रास्ते में चल चलते एक मंदिर के दर्शन हो गए। यहाँ पे बोलते हैं जोड़पानी की मंदिर, और यहाँ पे एक शिव जी की मूर्ति बना रखी है। तो जय हो मोनू भाई, दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। और एक वाली मंदिर ये वाले यहाँ पे, यानी कि मूर्ति रखी हुई है। और इस वाले साइड मंदिर है तो अंदर होगा कुछ और, यहाँ से हमें जाना है इस वाले रूट पे आगे की तरफ। तो हम अपने सफर यहाँ से आगे की तरफ एंजॉय करते हैं, तो वीडियो में आप बने रहें। और दोस्तों जैसे हम देवभूमि में रहते हैं, तो छोटे मोटे मंदिरों के दर्शन होते रहते हैं, यानी कि छोटी मोटी मंदिर नहीं है, काफी बड़ी मंदिर है, ऐसे दर्शन होते रहते हैं मंदिरों के। यहाँ से हमें नीचे वाली साइड जाना है, ये पठान वाली रोड जाती है ऊपर के लिए, और हमें पठान वाली रोड पे चलना है नीचे। और दोस्तों यहाँ से चिवलगार का मार्केट स्टार्ट होता है, और हम चिवलगार के मार्केट में पहुंच चुके हैं। और दोस्तों इस वाले रूट में इतनी खतरनाक वाली ठंड लग रही, ऐसी आ गए हैं, गलती होगी मुझसे बहुत बड़ी। यहाँ पे दोस्तों हम काफी दूर पहुंच चुके हैं, गाड़ी में काफी ठंड लग जाती है बाइकों में आजकल, ठंडियों के मौसम है ना। तो थोड़ा यहाँ पे रुके हुए हैं, और आगे है हमारे यहाँ पे पेट्रोल पंप, यहाँ से चलेंगे हम आगे, थोड़ा यहाँ पे धूप सेकते हैं। और दोस्तों यहाँ से होता है पठानी मार्केट स्टार्ट और सीधे लास्ट तक। तो ये रहा, और रोड के हिसाब किताब तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, काफी खतरनाक वाली रोड है स्टार्टिंग में ही, आगे तो क्या हाल होगा। चलिए आराम आराम से चलते हैं।
सो फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच गए पठानी में और वो वाली राव मंदिर है वहाँ नीचे उस वाली साइड, तो हमें उस वाली साइड जाना है। तो रास्ता मुझे भी नहीं पता कहाँ से जाता है, आगे से पूछ के चले जाएंगे हम। तो गाड़ी यहीं खड़ी करते हैं, चलते हैं। और दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं इतने खतरनाक वाले रास्ते से, स्वागत हो रहा हमारा, चलते हैं नीचे। तो मोनो भाई काफ़ी दूर चला गया, मुझे यहीं छोड़ गया। तो दोस्तों अभी मैं काफ़ी नीचे आ चुका हूँ और मुझे यहाँ पे भाई लोग मिले जो बोल रहे हैं आप यूट्यूब में वीडियो बनाते हो। तो भाई कहाँ से हो आप? हम हरियाणा पलवल से। पलवल से आप? भाई पलवल, आप पलवल से? सारे लोग घूमने के लिए आ रहे हैं मंदिर में? मंदिर में तो भाई लोग मंदिर में हो के आ गए, मतलब दर्शन करने के लिए आ रहे थे इतनी दूर से। तो काफ़ी अच्छा लगा भाई आपसे मिलके। तो कितने मतलब बढ़िया आदमी लोग थे, तो जो वीडियो में बोले उन्होंने मेरे को कि हमें भी ले दे भाई वीडियो में, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और भाई मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो थैंक यू भाई आपका, तो इतना प्यार दिया आपने यहाँ पे। तो यहाँ पे पहुँच चुका हूँ मैं पुल के सामने और ये है मंदिर से मंदिर को जाने वाला पुल। तो कितना मस्त लग रहा वीडियो में तो यार, वाओ सो नाइस। चलिए मंदिर दिखाते अब आपको। दोस्तों तीन मंदिर ये वाली भी हैं और हमें जाना है इस वाली मंदिर में। तो ये है राहु मंदिर, तो यहाँ से एंटर होता है गेट और जूते यहीं पर उतार लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं राहु मंदिर में। ये है मेरे पीछे राहु मंदिर। ये इस मंदिर को बताया गया है कि पांडवों द्वारा ये मंदिर निर्माणित की गई है और ये मंदिर एशिया और भारत की मात्र एक राहु मंदिर है। तो दोस्तों इस मंदिर को पूरे के पूरे पत्थरों से निर्माणित किया गया है, ये पांडवों द्वारा ही निर्माणित किया गया था। तो कुछ ऐसा है हमारा राहु मंदिर, एशिया और भारत का मात्र एक ऐसा राहु मंदिर है जो पठानी में है। दोस्तों इस मंदिर के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं इस मंदिर में फर्स्ट बार आ रहा हूँ और मुझे किसी अंकल जी ने बताया कि इस मंदिर को 5000 वर्ष हो चुके हैं। थोड़ी बहुत जानकारी मैं आप तक दे रहा हूँ और मुझे कोई ऐसे बुजुर्ग आदमी नहीं मिल रहे हैं जो इस मंदिर के बारे में बताए मुझे। और एक माई मिली है मुझे, तो उनका थोड़ा तबीयत खराब है तो कह रही कि मैं नहीं बता पाऊंगी। तो ये है राहु मंदिर और मैं मंदिर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको, अगर कोई मुझे मिल जाए तो बताऊंगा वरना तो ऐसे नहीं बता पाऊंगा मैं क्योंकि। तो यहाँ पे आंटी जी हमें कुछ बातें बताएंगे हमें। तो आंटी जी बताइए, आप अपना बता दो ना, पूरा इंट्रोडक्शन दे दो। रावत जी मुझे यहाँ मंदिर परिसर में मिले हैं, बहुत अच्छा लगा है। ये बच्चे हैं, ये हमारे उत्तराखंड और भारत वर्ष के भविष्य हैं और ये इस तरह से यूट्यूब पे अपना चैनल बना रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हमारे उत्तराखंड भूमि के लिए ये कहा जाता है कि यहाँ बच्चे सारे नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। हाँ, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में SDM से मैंने नौकरी शुरू की और कमिश्नर होकर रिटायर हुई। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ के बच्चे माइग्रेशन की तरफ नहीं दौड़ रहे हैं। हाँ, और अपना काम कर रहे हैं। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। हाँ, और मैं चाहती हूँ और भी बच्चे इसके वीडियो को देखें और इससे प्रेरणा लेके और आगे बढ़ें और अपनी संस्कृति को इसी तरह उजागर करें क्योंकि ये मंदिर इतना इंटीरियर में है, इतना दूरस्थ क्षेत्र है, यहाँ पे अधिकांश लोग आ नहीं पाते, उनके पास जानकारी भी नहीं होती है। तो अब हमें जानकारी हुई है तो हम इनके रावत जी के माध्यम से हम सभी को शुभकामनाएं, मंदिर की यहाँ की शुभकामनाएं देते हुए आप सभी को नमस्कार। थैंक यू, आपका बहुत बहुत इनका ले लो। और आपका नाम? आपका नारायण गिरी से है और हमारे साथ हैं दूसरी आंटी जी, वो उन्हीं के साथ आ रखी हैं। आप वही की आप? अच्छा, आपकी बहन है? ये माई। अच्छा, माई आपकी बहन है? अच्छा, चलो अच्छा लगा आपसे मिल के। यहाँ पे आके ना बहुत अच्छा लगा, चला हमारा कम से कम इस तरह तो विकास हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बच्चे तो नौकरी के पीछे तो भागेंगे, वो नौकरी के मेन नौकरी तो मेन है, बाकी सब कुछ हमारे यहाँ पर संपन्न हो जाता है, बच्चे भी क्यों भागते हैं उधर से भाग रहे हैं कि नौकरी, थोड़ा पिछड़ा इलाका है इसमें सरकार को या हमारे जो ये विधायक लोग ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे इतने भाग रहे, इतने परेशान हो रहे हैं, इसके पीछे वो ध्यान दे। ठीक है जी, थैंक यू आपका। तो आपने आंटी जी ने हमें कुछ बातें बताई तो हमें काफी अच्छा लगा। हाँ जी, मंदिर हाँ जी, शनि देव के मंदिर तो बहुत है लेकिन राहु का मंदिर एकमात्र पैठानी में ही है और इसी के दर्शन के लिए आज आए हैं शनिवार के दिन। हाँ, यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। हाँ जी,
और आज हम उसके दर्शन के लिए आए हैं और हम धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए कि हमने दर्शन किए। आपको कैसे लग रहा है आंटी जी, आपको कैसे लग रहा है? मेरे को हम अभी तो माइक है, कोई बात नहीं, गढ़ वाली भाषा में बोल जा। हम तो बहुत असलो ऊंचा हां जी, आठवां एकमात्र राहु मंदिर छ। हां जी, ये देखो को सब लोग तरस दछिना। हां जी हां जी, यहां से मन की शांति मिल। हां जी हां जी, हम एक राठ लोग बहुत धन्य छ, जो हमारे राठ नोच राठ। हां जी हां जी, राठ क्षेत्र, राठ क्षेत्र, बैठानी राठ क्षेत्र। हां जी, राहु मंदिर। हां जी, यहाँ से हम तो बहुत अच्छा लगता है, हमारे मुल्क में भी एक राव मंदिर, राव मंदिर से एक धाम, एक धाम हमारी भी, चार धाम हमारे, एक धाम हमारा राव मंदिर। तो हमें मिले हैं अंकल जी, तो अंकल जी आप क्या बोलना चाहते हैं? अरुण कुमार ढोंडियाल है मेरा नाम, घुन्ना पट्टी बिडोलसियों के रहने वाले हैं। अच्छा, इस समय देहरादून में रहते हैं और वहीं से उत्तराखंड शासन से रिटायर हुए हैं, सचिव रहे हैं वहाँ पे राज्यपाल जी के, और अब यहाँ पे आज दर्शन करने आए हैं। भगवान के बताया गया कि ये मंदिर है, यहाँ पे बड़ा प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से यात्री और पर्यटक आते हैं जो है देखने के लिए इस मंदिर को। एकमात्र मंदिर है राहु का, और भगवान शंकर का भी बहुत अच्छा शिवलिंग है, और भी यहाँ पे कई चारों तरफ मंदिर परिसर है, चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है। बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे देखे, और ये बड़ा दर्शनीय स्थल है। यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से सरकार जो भी और कुछ करना चाहे करना चाहिए सरकार। हाँ जी, हाँ। दर्शन करके हम धन्य हो गए, और आप लोग भी धन्य हो जाइए यहाँ आए और दर्शन करने। तो चलिए चलते हैं अभी, मोनू भाई थोड़ा रुकिए। मोनू भाई, तब कैसा लग रहा है आज? मतलब हमारा कोई प्लान से यहाँ आने का प्लान नहीं था यार, मतलब सुबह सुबह हमने प्लान बनाया कि चलो चलते हैं मंदिर घूम के आते हैं, तो काफी अच्छा लगा हमें मंदिर में आके और दर्शन करके। चलिए अभी चलते हैं घर की तरफ। दर्शन करके हम आ चुके हैं इस होटल का नाम क्या है? राज होटल में, और हमने मंगा के यहाँ छोले भटूरे, छोले कुलचे, छोले भटूरे मंगा के, तो उनको खाते उसके बाद चलते हैं। और यहाँ पे आ चुके हैं छोले भटूरे। मोनू भाई टेस्ट मस्त गुड। तो दोस्तों भंडारा खा के हम आ चुके हैं, सॉरी भंडारा बोल रहे हो क्या, कहने छोले भटूरे खा के हम आ चुके हैं, और अभी हम चल रहे हैं घर की तरफ यानी कि पावो बाजार की तरफ। तो आज का डे मेरा काफी अच्छा था, मतलब बैठने तक का, अभी तो सफर काफी आगे तक का है। तो चलते हैं दोस्तों, अभी आपको रास्ते रास्ते में मिलते मिलते चलते चलते दिखाने दिखाने चलेंगे। तो चलिए आगे। तो दोस्तों काफी दूर हम पहुंच गए हैं, और हमारा ये पावो मार्केट, तो थोड़ा पावो मार्केट जा रहे हैं हम। मोनू भाई का थोड़ा काम था, मेरा थोड़ा काम है, तो अपने काम करके मार्केट से सीधा घर चले जाएंगे क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। अभी चलते हैं थोड़ा पावो मार्केट। सो गाइस, अभी हम पसीना की बैंड के सामने हैं, पावो से आके हम यहाँ में थोड़ा धूप सेक रहे थे। ये है पसीना गाँव, हमें जाना है इस वाली रोड पे, थोड़ा धूप सेकते हैं उसके बाद सीधा
घर ही निकलते हैं। सो गाइस अब हम अपने गांव में पहुंच चुके हैं और मोनू भाई के घर पे, और मोनू भाई अंदर चाय बना रहे हैं, तो चाय पीते हैं उसके बाद घर निकलते हैं। और यहाँ पे चाय रेडी हो चुकी है और पहाड़ों में चाय पीने का अपना ही मजा है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। सो गाइस मैं घर पे पहुंच चुका हूँ, काफी टाइम हो चुका है और टाइम हो चुका है हमारा 4:22, काफी टाइम हो गया। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो वीडियो को तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहे, हंसाते रहे। जय भारत, जय उत्तराखंड, मेरे उत्तराखंड में।